20 मिनट में कह रहा चाय पी लो, फिर 10 मिनट पीता, फिर कह रहा यूट्यूब पे एक सीरीज देख लो, एक गाना ही देख लो। जितने लोग अज्ञातवास में रहे बड़े महान हुए। अज्ञातवास मतलब अपने आप को ताकतवर बनाना। तुमको इतना मजा आएगा, सब जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, शक्ति का खेल है। तो जिन लोगों ने इतनी तारीफ की है, अगर वो 10 गाली भी दे रहे हैं तो उनसे क्या कहना। वही लोग थे जो तारीफ कर रहे थे ना, वही आज गाली भी दे रहे हैं। सिक्के की कीमत तभी है जब दोनों पहलू होगा। मेरे दोस्त ने कह रहे यूरोप चले जाओ, जब मामला शांत होगा तब आना। अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी सेट करो। प्रायोरिटी पैलेस बनवाना है, मर्सिडीज खरीदनी, सब ये स्त्री, ये पुरुष, ये गाड़ी, ये मकान, ये सब शक्ति का बाय प्रोडक्ट है। तुमको अंदाजा नहीं कि तुम्हारे पास ये क्या है। तुमको ध्यान करने से मना किया जाता है, कभी कभी तो घर वाले भी करते हैं। तुम अगर बैठे लगो एक घंटा तो मां बाप टेंशन में आ जाए। और गलती से तुम किसी दिन गेरुआ शॉल ले आए। बुद्ध ने गलती कर दी थी, बाद में माफी मांगा उन्होंने। ध्यान का मतलब एक सशक्त मन का निर्माण, और उस सशक्त मन पर ही एक सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण होगा। पर्सनालिटी कहीं से खरीदी जाती तो राहुल गांधी को भी ना देते खरीद के। उनके पास कौन सी पैसे की कमी है? जर्मनी से ट्रेनिंग करके आए पॉलिटिकल लीडरशिप। आज तक दुनिया में कोई कोचिंग नहीं खुली जो नेता बनाए। आईएएस बनाने की कोचिंग है, जज बनाने की कोचिंग है, दुनिया में कोई कोचिंग नहीं जो नेता बनाए। मैं खोलने जा रहा हूं अगले साल। क्योंकि व्यक्तित्व का गेम है, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी का संबंध है मन से। और जितना ताकतवर मन, ताकतवर। जो भी चीज तुमसे बड़ी है वो तुमको गुलाम बना लेगी, कोई भी। और किसी चीज को छोड़ना नहीं है, और हर चीज को सामने रखना है। मेरे एक मित्र हैं वाजपेयी जी, हैदराबाद में, ना शराब पीते हैं, ना मीट खाते, कुछ भी नहीं, लेकिन घर में एक बार बना रखा है। मैंने कहा वाजपेयी जी आप? बोला ओझा जी लोग कहते हैं कि शराब के साथ रहो तो इसकी लत पड़ जाती है। मुझे तो नहीं पड़ी, ताकत वाली बात है। कहते मैं इसमें बैठता रहता हूं, देखता रहता हूं। किसी से दूर भागना, यही तो हिंदुस्तान में लोगों ने गलत रास्ता अपना लिया, जंगल भाग गए। अब जंगल में स्त्री दिखाई नहीं पड़ेगी तो तुम्हें 2 साल बाद फील होने लगा कि मैं जीत गया, अब मुझे स्त्री प्रभावित नहीं करती। फिर सड़क पे आओगे। ध्यान करने का मजा जंगल में नहीं है, ध्यान करने का मजा सड़क पे है, बाजार में। कम से कम डेली एहसास होता रहेगा ना कि विकास कितना हुआ। इसलिए जो लोग जंगल उंगल भाग जाते हैं, 15-20 साल बाद लौट के आते हैं, बहुत सर पटकते हैं अपना। क्योंकि जब तुम्हारे सामने कोई चीज नहीं है तो तुम्हें 2 साल बाद फील ही होने लगेगी। देखो क्लाइव, 7 समंदर उस पार का आदमी भारत में साम्राज्य बना रहा है, क्या हिम्मत रही होगी उसके पास। अब कानपुर में कोई तमिलनाडु का आदमी आके पार्क में तुमको 2 झापड़ मार के चला जाए तो कितनी बड़ी तौहीन है तुम्हारी। मतलब कोई तमिलनाडु से आए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए कानपुर शहर से, तमिल आदमी, कोई जनाधार नहीं, ना तुम्हारी जात का, ना तुम्हारे धर्म का, उसका टैलेंट कितना बड़ा होगा। यहां जो 50 साल कानपुर में रहे वो वार्ड मेंबर ही जीतने की स्थिति में नहीं है, उनका अपना परिवार वोट देने को तैयार नहीं। बीवी कहती देखो मैं भाजपा को दूंगी। सात साल अपना गोल किसी को मत बताओ, साधारण बनकर रहो, साधारण। जितना सामान्य बनकर जी सकते हो उतने सामान्य बनकर रहो। साइकिल से चलो, चेकबुक लेकर, और 500 करोड़ साइन करने की क्षमता रहे लेकिन चलो साइकिल पर, और जेब में चेकबुक पड़ी रहे। ताज होटल में एंटर किए, उसने तुम्हारी साइकिल रोक दी। तुमने कहा ये पूरी कीमत बता दो होटल की।
अभी खरीदना है अभी, और अकेले बैठेंगे और आज का डिनर यहीं करेंगे, तब तो मजा जिंदगी का। और तुम 20,000 का जूता पहने हो, 50,000 की घड़ी पहने हो और डायबिटीज के पेशेंट हो। आज यही तो हो रहा है। आज क्या हो रहा है, लड़के फेशियल करा रहे हैं, लड़के फेशियल करा, एलमंड मास्क लगवा रहे, एलमंड लेटे हुए। नाचने जाओगे? नहीं नहीं, तब तुम वहां देखो मोती झील पे सुबह सुबह लड़के एक्सरसाइज करते हैं। मेरे ख्याल से सारा इंस्ट्रूमेंट है वहां पे, जो छोटा सा वो मंदिर बना हुआ हनुमान मंदिर, सारा इंस्ट्रूमेंट वहां पे है। लड़के बॉडी वॉडी बना के सुबह सुबह टी शर्ट उशर्ट पहन के बैठे हुए, नहीं पढ़ाई हो रही ना, यही सब करो। बाजार में बुलेट उठाक पटक दिए, 2,000-4,000 लोग ऐसे देखे चलाएंगे, भैया ये लो, कुछ तो करो। क्या देखो 7 साल पता ही नहीं चला किसी को, 1765 टू 1772 छिपा के रखा उसने अपनी उपलब्धि को। एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, P=P, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। एक साल यार, अगर तुम 14 साल जीवन में आइसोलेट रह लो तो तुम भगवान बन जाओ। रामचंद्र जी इसी का तो उदाहरण है। तुमसे कौन भगवान बनने के लिए कह रहा है, तुम बस एक साल आइसोलेट रह लो, एक साल, और तुम IAS बन जाओगे। एक साल सारी दुनियादारी छोड़ दो, पागल बन जाओ, उल्टी सीधी बात करो लोगों से। लड़कियों को तो और आसान है, बाल खोल के आगे करके ऐसे लगे चले, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। तुमसे डर के मारे तुम्हारे करीब कोई नहीं आए, 2 महीने में एक बार कर दो, डेली मत करने से पता लगा डॉक्टर के पास ले जा रहे, इलाज करा रहे, झाड़फूक का। और माँ बाप को कॉन्फिडेंस में लेके उनको बता के कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, और उसी में जो तुम जिससे तुम सबसे ज्यादा चिढ़ती हो उसी को उठा के 2-3 जूता मार दो खींच के, मार डालूंगा, मार डालूंगा, डालूंगी नहीं, मार डालूंगा। मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, ऐसी कोई कहानी सुना दो तुमसे वैसे ही लोग दूर रहेंगे। जो ज्यादा बैठ के तुमसे दुनियादारी करे उससे ऐसे धीरे धीरे आंख चढ़ा के देखना शुरू करो, समझ जाएगी आ रहा है। तो समझ जाएंगे आ रहा है। अच्छा दीदी चले, हाँ जाओ जाओ। और लड़कों के पास सबसे अच्छा हथियार क्या है, पैसा मांग लो, जो तुमसे ज्यादा मिले 10,000 मांग लो कि 10,000 दे दो यार, कोचिंग का फीस जमा करना है, 2 साल बाद दे देंगे। ना मिलने आए फोन करो, लड़ाई मत करो किसी से। वही लोग थे जो तारीफ कर रहे थे ना, वही आज गाली भी दे रहे, क्या फर्क पड़ता है। दोनों का मजा लेना चाहिए। सिक्के की कीमत तभी है जब दोनों पहलू होगा, अगर एक पहलू होगा तो वो जाली सिक्का है। नहीं, सिक्के की कीमत तभी है जब दोनों हो। सकता है मेरे ही स्टूडेंट मुझे धमकी दे रहे हो कि देखे मास्टर वा क्या करता है, बहुत बोलता है, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। हो सकता है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। ये मेरे ही स्टूडेंट को फोन मिला दिया सुबह 4 बजे कि निकलो, मैंने कहा आओ। सोडा की जो बोतल होती ना, तो नचा के फेंक लो, 3 आदमी गए तुम्हारे करीब, जो शीशे की बोतल होती है तुम्हारे करीब कोई नहीं आएगा, और लड़ना तो पड़ेगा ही, तुम भाग ही नहीं सकते। मेरे दोस्त ने कह रहे यूरोप चले जाओ, जब मामला शांत होगा तब आना,
कौन सा मामला? सब शांत है, इतना भी नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? होना ही चाहिए, दिन हो रहा है तो रात भी तो होगी, तो बिल्कुल होगी। अरे तुम में से कई सारे लोग हैं जो मॉडर्न इंडिया कई बार पढ़े होंगे, तुम्हें पता ही नहीं था मॉडर्न इंडिया में पढ़ना क्या है, आज पता चला ना। अब एक नए पर्सपेक्टिव से मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे कि भारत में मोनार्की का अंत कैसे हुआ यार, भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत कैसे हुई, भारत लोकतंत्र कैसे बना, भारत में आधुनिक अर्थव्यवस्था कैसे आई। तो उस अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आधुनिक काल की अर्थव्यवस्था पढ़ोगे ना, औद्योगिक क्रांति कैसे हुई, मॉडर्न करेंसी सिस्टम कैसे शुरू हुआ, ये सब पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा। है? अभी तक तुम उस अप्रोच से पढ़ ही नहीं रहे थे। अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी सेट करो, प्रायोरिटी पहले क्या करना है, और करना सब कुछ है, किसी चीज से भागो मत, सब करना है, शादी भी करना है, घूमने भी जाना है, पैलेस बनवाना है, मर्सिडीज खरीदनी, सब, लेकिन पहले क्या करना है। अब ये सारी चीजें किससे आएंगी? शक्ति से। पहले शक्ति लियो, पहले अपनी सारी ताकत शक्ति में लगा दो, शक्ति आ गई, ये सब शक्ति का बाय प्रोडक्ट है। ये स्त्री, ये पुरुष, ये गाड़ी, ये मकान, ये सब शक्ति का बाय प्रोडक्ट है। वो देखो जेलेंसकी, पंजाब का भगवंत मान, 7 साल पहले उसकी बीवी छोड़कर चली गई थी, अब आई, कल मैंने बताया तुमको, और आगे कह रही है कि मैं इनके लिए दुआ करती थी। ये सब घटनाएं नहीं है, ये एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए। पूजा शक्ति की है, व्यक्ति की नहीं है। मोदी जी का इतना लोग विरोध करते हैं मुझे मिलाकर, लेकिन सामने आ जाए तो भाई क्या उड़ा रहे थे? नहीं सर, हम तो बता रहे थे कि आपकी सरकार बहुत अच्छी सरकार। पूजा व्यक्ति की नहीं है, शक्ति की। तो जीवन में सबसे पहला काम यही कर लो ना, किसी की बुराई हो रही है, 4-4 घंटा बैठे हो, कोई मूड फ्रेश करने का डिमांड ही नहीं उठ रहा है, तुम कभी इसकी बारीकियों, यही ध्यान है, और क्या ध्यान है? ध्यान हरामखोरी करना थोड़ी कि 6 घंटे आंख बंद करके बैठे। ध्यान मतलब अपने मन को लगातार देखना। पढ़ने बैठे 20 मिनट में कह रहा है चाय पी लो, फिर 10 मिनट बीता, फिर कह रहा है यूट्यूब पे एक सीरीज देख लो, चलो एक गाना ही देख लो। जितने लोग अज्ञातवास में रहे वो बड़े महान हुए। पांडव रहे ना अज्ञातवास में, राम रहे ना अज्ञातवास में, कृष्ण रहे अज्ञातवास में, कौन नहीं रहा अज्ञातवास में? अज्ञातवास मतलब अपने आप को ताकतवर बनाना और फिर वहां से लौट कर आना इसी समाज में दोबारा। और दुबे जी बढ़िया भाई, ठीक है, हाँ हाँ, और तुमको इतना मजा आएगा, वो सब जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं, कोई कह रहा था बाबा मठ में चले जाएंगे, अब बोलो बाबा प्रचार ही कर रहा था बुलडोजर पे खड़ा होकर, बाबा का अगला चुनाव चिन्ह बुलडोजर है, अब बोलो। समाजवादी वाले गाना बनाए थे चल सन्यासी अनिल राजभर, कहीं नहीं, 10 मार्च को 2 गाना बजेगा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और दूसरा गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। आजकल कह रहे हैं कि बाबा जी बहुत अच्छे आदमी संत हैं। शक्ति का खेल है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कुछ सवार हो गया था, कुछ करा दिया था मुझे किसी ने। बाबा ने कहा ठीक, हम तुम्हारा इलाज कराते हैं, आसाम से तांत्रिक मंगाएंगे। शक्ति है, अगर यही गेम पलट गया होता, सब शक्ति है।